सो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही टेस्टी चॉकलेट के कॉइन्स। वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी चॉकलेट को कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट कंपाउंड लिया था और उसे मेल्ट कर लिया था। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है यहाँ पे कि हमें चॉकलेट में कौन सा कलर यूज़ करना रहता है। तो मैंने यहाँ पे पाउडर कलर यूज़ किया था। आप यहाँ कोई भी ऑयल बेस्ड कलर ले सकते हैं, पर ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको कोई भी लिक्विड कलर का यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ वाइट चॉकलेट बहुत ही जल्दी सीज हो जाती है। और मैं तो प्रेफर करती हूँ हमेशा वाइट चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करना, तो आप भी उस तरह से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे वाइट कंपाउंड लिया था और उसको यहाँ पे एक एक स्पून करके ही मैं यहाँ पे अपने बेकिंग पेपर पे स्प्रेड कर रही हूँ। और उसके बाद मिल्क कंपाउंड लिया, उसको भी लगा दिया, और यहाँ पे लास्ट में मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट कंपाउंड। अब यहाँ पे मेरे पास है 5 या 6 तरह के ड्राई फ्रूट्स, आलमंड हैं, वॉलनट है, कैश्यूज़ हैं, सीड्स हैं, किशमिश है, रेजिन्स हैं। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ली हैं। अगर आपके पास पम्पकिन सीड हो आप वो भी ले सकते हो। यस, मैंने यहाँ पे फिग्स भी लिए हैं। और बाद में जब मुझे मैं इसमें लगा रही थी तो मुझे लगा ओरियोज़ में इसमें बहुत अच्छे लगेंगे, तो मैंने कुछ कुछ में ओरियो भी ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली सारी अपनी चॉकलेट कॉइन्स पे कुछ नट्स को ऐड कर रही हूँ। इवन लास्ट में मैंने कोकोनट भी इसमें ऐड किया था, बहुत अच्छा उससे फ्लेवर आया। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो हम चॉकलेट्स बनाते हैं इसको आप अपनी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हैम्पर्स में, जार्स में डालिए, टब्स में डालिए, आजकल टब्स चलते हैं, इवन बॉक्सेस में डालिए, और आप इसको गिफ्टिंग में यूज़ कीजिए, अपने क्लाइंट्स को दीजिए। बहुत ही अच्छा एक ये यूनिक वे है चॉकलेट्स को बनाने का। तो अभी इसको कैसे करेंगे, इसको एक ट्रे में पहले से रख सकते हैं, या फिर मैं इसी में काम कर रही थी तो मैं इसको अभी थोड़ी देर यूँ ही रखूँगी ताकि ये हल्का सेट हो जाए। जब हाफ सेट हो जाएगा तो 15-20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। और ये देखो, मैंने यहाँ पे 15-20 मिनट्स फ्रिज में रखा और मेरे यहाँ पे केक बिल्कुल कॉइन्स बिल्कुल चॉकलेट के रेडी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बिना किसी मोल्ड के बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। और अगर आपके पास कम नट्स अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो ये मेरे बन के बिल्कुल तैयार है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो अभी अगली जो चॉकलेट मैं आपको करवाने वाली हूँ उससे हम बहुत ही सुंदर अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। ओएचपी शीट लिया है मैंने उसके लिए, तो ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी। व्हाइट कंपाउंड को मेल्ट किया और फिर कलर बाद में ऐड किया ताकि व्हाइट चॉकलेट बिल्कुल सीज ना हो जाए। ऑल ऑयल बेस्ड कलर था मेरा और यहाँ पे चॉकलेट को मैं बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एसी में काम कर रही थी, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी चॉकलेट्स का काम अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो आप एसी में करें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बार बार आप फ्रिज में रखेंगे, बार बार कभी वो ज़्यादा सेट हो जाएगी, कभी वो कम सेट होगी। तो इस तरह से एसी में काम कर रही हूँ मैं। हल्की सेट होने के बाद मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड का यूज़ किया है और इसको भी मैं यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। बहुत ही सुंदर, आप बना के रख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो, और फिर जब केक का ऑर्डर सडनली आता है तो आप इसको लगा कर अपने केक्स को डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो यहाँ पर डार्क कंपाउंड को भी मैंने अच्छे से मेल्ट कर दिया है। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लेके आना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप फिर कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इसकी जो नेक्स्ट सीरीज़ है कि आप चॉकलेट्स को किस तरह से बनाकर अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं, वो मैं इसमें यहाँ पे आपको बताऊँ। यहाँ पे एक स्क्वायर कटर की मदद से यहाँ पे एक ओएचपी शीट पे मैं कुछ कट कर रही हूँ, और बीच में एक नोज़ल की मदद से होल कर दूंगी, और इसके बाद इसको बाहर भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्रिज में रख के सेट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने कुछ देर सेट किया और निकाला, और वाओ, बहुत ही सुंदर मेरी येलो और वाइट कलर मिक्स कुछ गार्निशिंग बन गई है। सो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आने वाले दिनों में इस तरह की वीडियोज़ और मिलेंगी। थैंक।